नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। आज हम आए हैं पटना के गांधी मैदान में स्थित ज्ञान भवन में, जहां पे आप देख सकते हैं कि पीछे मखाना महोत्सव राष्ट्रीय सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 लगा है। अब यहां से अंदर जाने से पहले हम आपको यहां के आसपास की कुछ चीज़ें दिखा देते हैं, जिसे देखकर आप सोचेंगे कि मखाना से इतना अच्छा कुछ कैसे बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम इधर आते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि ये बिहार का नक्शा है, जिधर मखाने से इसकी सजावट की गई है, वहीं यहाँ पे कई लोग हैं जो अलग अलग जिले के दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी ओर यहाँ पे मखाना महोत्सव का भी लिखा हुआ है, जहाँ पे इसे भी मखाना से ही सजाया गया है। आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बिहार राज्य में मिथिला के मखाना को GI टैग दे दिया गया है सरकार की ओर से, और इसी को लेकर आज यहां पे मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि 29 नवंबर से 30 नवंबर तक था, और आज अंतिम दिन है इस मखाने महोत्सव का। तो आइए सबसे पहले अंदर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कहाँ से कौन कौन से लोग मखाना के लिए आए हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, कितने प्रकार के मखाना हैं, क्या फ़ायदे होते हैं यहाँ के, हम सब कुछ जानेंगे। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ज्ञान भवन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे कई सारे पोस्टर्स भी लगे हैं, जिस पे लिखा है बिहार का मखाना पोषक तत्वों का खजाना। इसके साथ ही यहाँ पे सिर्फ यही इकलौता पोस्टर्स नहीं है, बाकी और भी पोस्टर्स हैं जिस पे अलग अलग तरह के कोट्स लिखे हुए हैं। कहीं पर लिखा है मखाना संपूर्ण स्वास्थ्य से भरपूर बनाए आपको स्वस्थ एवं मजबूत। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे बाहर में बिहार का नक्शा के ऊपर मखाना का जो लगाया गया था, वैसा ही सेम टू सेम अंदर भी है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी और अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे मखाना को जो बिहार राज्य में GI टैग दिया गया था, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 16 अगस्त 2022। जी हाँ, 16 अगस्त 2022 को मखाना को, मिथिला मखाना को GI टैग सरकार की ओर से दिया गया था। अब चलिए अंदर चलते हैं। तो अब हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना मखाना का स्टोर्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कि यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स मखाना के लगे हुए हैं, और ये सारे स्टॉल्स एक ही जगह के नहीं बल्कि अलग अलग दो लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक स्टॉल्स में जाके पूछते हैं कि वहाँ के मखाने की क्या खासियत है, और यहाँ पे किस प्रकार के मखाने आए हैं, मखाने की प्राइसिंग कितनी है, आपके पॉकेट के हिसाब से है, आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आइए हम सबसे पहले यहाँ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई तरह के मखाने हैं, सारे के फ्लेवर्स भी अलग अलग है। किसी में ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा है पेरी पेरी, मतलब इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा टाइप आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारबेक्यू फ्लेवर्स का भी मखाना है। आपने शायद ही मखाने के भी इतने सारे टाइप्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए एक बार, और एक बार यहाँ देखिए, खरीदिए और टेस्ट कीजिए, और फिर बताइए कि आपको यहाँ के मखाने कैसे लगे खाने में। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ के रेट्स क्या हैं मखाने के। सर यहाँ पे कितने, मतलब कितने प्राइस के मखाने आप रखे हुए हैं? चार क्वालिटी का है जी, और जितने भी क्वालिटी है वो सारे के रेट्स अलग अलग है। सारे के रेट अलग अलग है। सबसे जो महंगा वाला है वो कौन सा है? वो कैनूर है, दिखाई जरा, ये कैनूर है, कैनूर है जी, छः सूता का है। तो इसमें खासियत क्या है इस मखाने में जो इसके इतने प्राइस हैं, और कितना प्राइस है इसका? इसमें खासियत है, मैंने कि खाने में टेस्टी और बगैर खाद और बगैर दवा का होता है, इस पानी के अंदर होता है, पानी से निकाला जाता है, इसको किसान लोग निकाला, हम लोग उससे खरीद के लाते हैं, उसको पैन करते हैं, बेचते हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? फॉरबिसगढ़िया डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अलग ये ब्लैक कलर में है, ये किस टाइप के? तो ये रोस्टेड फ्लेवर में आ जाएगा जी। आप देख सकते हैं कि इसका फ्लेवर अलग है। इसकी प्राइस कितनी है? 14 रुपीस है। और ये 40 ग्राम की है, जैसा कि पैकेट में लिखा है 40 ग्राम की जी। और यहाँ पे जो सबसे सस्ता मखाना जो होगा वो कौन सा होगा? सबसे सस्ता आस्था है। आस्था, इसकी प्राइस कितनी है, इसका दाम? इसका 100 रुपये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई तरह के मखाने हैं, सबके अलग अलग प्राइस हैं। आप अपने हैसियत, आप अपने पॉकेट खर्च के हिसाब से यहाँ आके खरीद सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए। और आप यहाँ पे हर टाइप के मखाने आपको यहाँ मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये सिर्फ एक स्टॉल नहीं है, बाकी और भी स्टॉल्स हैं, और हम सारी जगह आपको जाके बताएंगे कि यहाँ पे कितने प्राइस के, किस स्टॉल पे कितने प्राइस के मखाने मिल सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं।
तो अभी हम आपको एक स्टॉल पे लेके गए थे, वहाँ पे आपने देखा कि कितने अलग अलग तरह के मखाने हैं। तो आइए हम आपको एक और स्टॉल पे लेके जाते हैं। इस स्टॉल की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी काम जो हुआ है वो बिल्कुल मशीन से हुआ है, कोई भी काम हाथ के द्वारा नहीं किया गया है। आप यहाँ लिखे हुए भी देख सकते हैं, हैंड फ्री प्रोसेसिंग। आइए जानते हैं इसके बारे में कि और क्या होता है, कैसे होता है। चलिए आइए बात करते हैं और जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपने हैंड फ्री प्रोसेसिंग लिखा है, तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है मतलब कि अब तक जो लावा प्रोडक्शन होता था वो हाथ से किया जाता था, और अब क्या है कि हम लोग ये 2013 से ये टेक्नोलॉजी है सीपेट लुधियाना की, मशीन हम लोग सहरसा में रखे हुए हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी खास बात है कि इसमें जो अब तक जो लेबर का ये बीच का फासला है, आने वाले दिन में ये लेबर के बगैर भी आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रोसेस मैन ये कि पहले रोस्टिंग किया जाता है गुड़िया, फिर उसके बाद इसको मशीन में डाला जाता है, और मशीन द्वारा ये लावा आपका प्रोडक्शन किया हुआ है, इसमें ये हैंड फ्री ओपन है। तो यहाँ पे मशीन जो है वो कितने दामों तक आ जाता है? अब तक मैडम ये कि अभी 2013 से हम लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर विश्वकर्मा साहब है सीपेट के, वो वैज्ञानिक है, वो डेवलप किए हैं। तो अब तक क्या है कि इधर 10 तारीख को आए हुए थे बिहार सहरसा, तो 16 तारीख को वो यहाँ से गए हुए हैं, तो वो पूरी तरह मशीन अभी मार्केट में नहीं आई है। आने वाले दिन में मशीन मार्केट में आ सके, 5 से 7 लाख से 7 लाख। तो ये जो मशीन का निर्माण किया गया है वो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी लोग के द्वारा किया गया है? जी जी, ये जो है ना टेक्निक जो है हम लोग का है, और जो मतलब कि कमर्शियल टेक्निक है वो आपको विश्वकर्मा साहब से पूछ रहे हैं। जी जी, वैज्ञानिक वहाँ के से विश्वकर्मा, डॉक्टर विश्वकर्मा साहब। तो ये जो मशीन है इससे मखाना तैयार करने में आपको कितना समय लग जाता है? मतलब अगर हैंडमेड करते हैं तो उससे ज़्यादा ऑफकोर्स कम समय ही लगता होगा, लेकिन कितना समय लग जाता है? जो है ना, अगर आप हाथ से अगर ओपन करने से आपको एक क्विंटल तो नहीं कर, 50 kg भर दिन में आप कीजिएगा। आप ओपन अभी मशीन से 2 क्विंटल हो रहा है जी, आने वाले दिन में इसमें अभी सिंगल होलर है, आने वाले दिन में डबल कर दिया जाएगा, तो 4 से 5 क्विंटल होने का चांस हो सकता है आने वाले दिन में। जी, तो यहाँ पे आपके दुकान में जो स्टॉल लगा है उस पर कितने प्राइस के हैं? तो सीधी सी बात है कि अगर हाथ से नहीं किया गया है तो लोगों के मेहनत नहीं लगे हैं, तो उससे प्राइस के थोड़े कम होंगे। इसमें क्या कि अभी गुड़िया का रेट ना बहुत नीचा है, तो किसान जो है ना वो लावा पर ही अपना ये करना चाहते हैं, तो 400 किलो है, 500 kg। तो ये दोनों पैकेजिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक डब्बे में है एक नॉर्मल पैकेट में है? इसमें यह है मैडम कि यह 5-6 सूटा बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, ये अमेजोन पे उपलब्ध है, ये फ्लिपकार्ट पे, यही चीज़ को इसमें डाल दिया गया है, ये कंपनी का नाम है। अच्छा, मतलब इसको इस टाइप के डब्बे में आप ऑनलाइन बेचते हैं इसे, तो ऑनलाइन में भी प्राइस सेम है या दोनों में डिफरेंट है? ये जो ना हम लोग जो ब्रोकर है उसको हम लोग से 200 मिल जाता है, वो लोग 140। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे मशीन में जब मखाने बनाए जाते हैं तो उसके प्राइस में थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि लोगों के मेहनत कम लगते हैं, और उसके बाद आपको बहुत जल्दी बहुत कम समय में ज़्यादा मखाने का उत्पादन आप कर सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई स्टॉल्स ऐसे लगे हुए हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के मखाने के स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ आप देखिए सारे ये अलग अलग जगह से आए हैं, कहीं पे NAFED लिखा है, कोई कोशी अतुल्य मखाना फेर उत्पादक, सब अलग अलग जगह से आए हैं। तो आइए हम यहाँ चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लोगों की भीड़ भी लगी है, और आइए यहाँ पे NAFED नेफेड के तरफ से ये मखाना लगाए गए हैं, तो आइए जानते हैं क्या है यहाँ के मखाने में खास। तो हम यहाँ पे एक नए स्टॉल पे आए हैं। यहाँ के इस स्टॉल में खास बात ये है कि यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर में भी आपको मखाने मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं, पर आने वाले समय में चॉकलेट फ्लेवर में भी आपको मखाने मिल जाएंगे। ये लोग सुपौल से आए हैं, सत्यार्पण जगह से, सुपौल जगह। तो आइए हम यहाँ जानते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार के मखाने हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, कितने फ्लेवर्स हैं। इन्होंने हमें मखाने का स्वाद भी चखाया जो काफ़ी अच्छा था, तो हम कहेंगे कि आप ज़रूर एक बार आइए और यहाँ के मखाने को लीजिए, खरीदिए, खाइए, और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आइए हम यहाँ जानते देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के डब्बे हैं, इसके साथ ही यहाँ पे एक छोटे पैकेजिंग भी किए गए हैं ताकि बच्चों को भी ये नाश्ते में दिया जा सके, और बच्चे भी स्वाद सेहत के साथ स्वाद का मज़ा लें। आइए जानते हैं मखाने के बारे में। सर, तो आपके मखाने में क्या खास बात है ये बताइए आप।
खास बात ये है कि एक्चुअली हम लोग इसको हर टेस्ट का भी हमने ध्यान रखा है और क्वालिटी से भी हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं किए हैं। और मखाना एक ऐसा चीज़ है कि प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसके एक से बढ़कर बेनिफिट्स हैं, तो हम लोग इसको टेस्ट में लाए हैं, वेरिएंट फ्लेवर में लाए हैं कि जिन्हें मान लीजिए स्पाइसी खाना है वो हमारा ये फ्लेवर खा सकते हैं, जो मान लीजिए हमारा एक ये पुदीना का फ्लेवर है, प्लस जैसे आप ये देख सकते हैं मैम ये एक लेमन का फ्लेवर है और एक चीज़ी मसाला का है। और पाउच में भी लाने का ये हमारा टारगेट है कि ये जो बाइंग कैपेसिटी लोगों का हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेंटेलिटी एक बैठी हुई है कि मखाना जो है वो एक सेक्टर के लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग का इसमें ये मैटर आता है। तो पाउच में लाने का ये मतलब है कि जो मार्केट में है कि रिप्लेसमेंट नहीं है, और बच्चे हैं या जो भी हम ही लोग हैं कि लेज कुरकुरे या उस तरह के जितने भी सारे जंक फूड है, तो ऑप्शन नहीं होने के कारण हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ पे पड़ता है। और जंक फूड जो है वो समझिए डिजीज़ को एक अवसर देता है, उसको हम लोग दूर करने का कोशिश में बेसिकली कर रहे हैं और टेस्ट का भी ध्यान रख रहे हैं। हर तरीके के इसको पैकेज में लाए हैं कि 20 रुपये के पाउच में भी लाए हैं, प्लस दुकानदारों के लिए भी हम लोग इसमें बेनिफिट्स लाए हैं, प्लस और हमारा जो प्लांट है वो एक्चुअली हम लोग इसमें एडवांस मशीनरी और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वो आप हमारे पैकिंग से ही देख सकते हैं उस तरीके से, प्लस और भी बेनिफिट्स इसमें हम लोग दे रहे हैं। और गवर्नमेंट से भी सपोर्ट हम लोग को अब स्टार्ट, ये फर्स्ट टाइम मखाना महोत्सव बन रहा है, राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, उस तरीके से प्रमोशन भी अब आप लोगों का के द्वारा भी जो है कि उस तरीके से मीडिया से भी अब फुल सपोर्ट हम लोगों को चाहिए कि इसे हम लोग हर घर तक पहुँचा सकें। और जो जंक फूड है, एक इनिशिएटिव हमारी कंपनी सत्यार्पण चला रही है बेसिकली वो जंक फूड को रिप्लेस करने के लिए, मार्केट में जो ऑप्शन नहीं था उसके लिए। तो आप मतलब बस इसलिए कर रहे हैं, फ्लेवर्स में लाए हैं कि जो बच्चे लोग लेज वगैरह खा के अपनी सेहत को बिगाड़ते हैं, उसको ये खा के थोड़ा अच्छा करें हेल्थ के लिए। और कोरोना के बाद आप जान रहे हैं लोगों को हेल्थ का अवेयरनेस बढ़ा है जी, लेकिन उसको और समय लगेगा बढ़ने में, लेकिन इस तरीके से है कि मखाना किसी भी रूप से जाए। और भी हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बेबी प्रोडक्ट वगैरह हमारा आने वाला है, जल्दी लॉन्च करेंगे, जैसे बेबी प्रोडक्ट जो नेस्ले वगैरह बनाती है, सेरेलक्स वगैरह, उस पर भी वर्क हो रहा है। खीर मिक्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं जो रेडी टू ईट रहेगा। उसके बाद जिम वगैरह जो लोग जाते हैं, जो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो पाउडर वगैरह का यूज़ करते हैं सप्लीमेंट का, मखाना से उसको भी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं जी। तो हम आपसे पूछना चाहते थे कि अभी हमें पता चला कि आप लोग आगे आने वाले समय चॉकलेट फ्लेवर भी लाने वाले हैं, तो तरह के वेरिएंट्स हम लोग, वो आप क्या मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि लगा कि चॉकलेट फ्लेवर में मखाने लोगों को पसंद आ सकते हैं? क्योंकि देखिए आज के डेट में आदमी यूज तो कर रहा है मैम, और हमारा क्यों नहीं वो लोकल को ये किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी आज के डेट में ये स्लोगन दे रही है लोकल फॉर वोकल, तो हमारा जब ये बेनिफिट के साथ आपको हम टेस्ट दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, तो लोग पसंद करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसी को बेस रखते हुए हर एक फ्लेवर और हर एक चीज़ मिला रहे हैं। जैसे मैगी है तो वो मैदा का बनता है, और मैदा क्या है कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अब है कि मखाने की नूडल्स, उस पर भी हम लोग ला रहे हैं इसको। तो वो सबका टेस्ट हल्का सा मखाना टाइप ही होगा, लेकिन बच्चों को फील आया कि वो नूडल्स खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो किसी भी माध्यम से उनके शरीर में जाएगा तो बेनिफिट ही करेगा। बस पेशेंट है, मान लीजिए चलिए बच्चों पे नहीं, एक दूसरे एज ग्रुप पे आते हैं जो एजेड है, जो मान लीजिए डायबिटीज़ वगैरह से जो पीड़ित हैं, अब उनको भी मान लीजिए इसमें मखाना का बेनिफिट है कि इंसुलिन वगैरह बनता है, प्लस जो बीपी के मरीज़ है वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो क्यों ना इसको उस तरीके से हम उन्हें प्रेजेंट करें। मतलब आपका कॉन्सेप्ट ही है एक स्वास्थ्य, मतलब लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करना है मखाने के सहारे अलग अलग फ्लेवर्स में। अच्छा, अभी कुछ समय पहले ही सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है मखाने से, तो उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, सरकार की ओर से क्या फ़ायदे दिए जा रहे हैं? फ़ायदा ये हो रहा है कि अब जो है लोग जानने लगे हैं, एक सीमित तरीके से ये नहीं रहा है, अब एक हमारा रेंज बढ़ रहा है, बैरियर्स नहीं है, प्लस टेक्नोलॉजी भी अब उस तरीके से है कि यार लोग जान रहे हैं इस चीज़ को बेसिकली, और हर जगह से हम लोग को रिस्पॉन्स अच्छा है, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी हम लोग इसको भेज रहे हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। तो मखाने को बनाने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो आप कुछ प्रोसेस बता सकते हैं? प्रोसेस तो इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, लेकिन वो डायरेक्ट फार्मिंग से ही है, और हम लोग खुद फार्मिंग बैकग्राउंड से ही है, यानी कहीं से हम लोग इसको परचेज नहीं कर रहे हैं, खुद का हमारा फार्मिंग है। तो मतलब आपका फार्मिंग होता है, आप लोग करते हैं? हम लोग क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी भी हम लोग दे पा रहे हैं,
रेट का भी ध्यान रख रहे हैं, सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं, हर तरीके से। तो यहाँ पे जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे के प्राइस भी अलग अलग होंगे, तो इसमें सबसे जो कम दाम वाला है वो कौन सा है और सबसे ज़्यादा दाम वाला कौन सा है? पाउच में हमारा ये हो गया, पाउच ये हमारा 18 ग्राम का है जो 20 रुपीज का है, और देख सकते हैं प्लस ये हमारा प्लेन मखाना हो गया, ये आपको 250 का आता है, ठीक है, 200 ग्राम का है, प्लस ये जार है हमारा, ये 100 ग्राम का जार है, तो इसका भी है 199 प्राइस है। 75 ग्राम का जो जार है इसका प्राइसिंग हम लोग 150 रुपये दे रहे हैं, यानी दुकानदारों का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि जो हमारे साथ जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें भी, उनके भी बेनिफिट्स को हम लोग ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स के मखाने हैं, अलग अलग प्राइसिंग है, आने वाले समय में इनके और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले हैं। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था स्वास्थ्य को लेकर, कि लोगों को स्वाद भी मिले, उनके स्वास्थ्य में भी कोई गड़बड़ी ना हो, सभी लोग स्वास्थ्य के साथ स्वाद का मज़ा ले सके, बच्चे अपने लंच बॉक्स में लेके जा सके, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, तो आज हम यहाँ आए आप लोग को दिखाएं कि यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स मखाने के लगे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे खास स्टॉल्स मुझे लगा वो शॉप नंबर 29 था, वो सुपौल से आए हैं वहाँ के लोग, और वहाँ पे मेन बात ये है कि यहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ावा देंगे, उसी के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं। तो हम कहेंगे कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ के स्टॉल्स को देखें, अपने हिसाब से अपनी सामान खरीदें, और फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कई प्रोग्राम भी होते हैं, तो आप यहाँ आके उस प्रोग्राम का भी मज़ा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।